मेजर साहब डिस्पर्जन वाले चैप्टर में हम वीडियो जो है 54 तक बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 55 अब बनाने चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर क्लास इंटरवल कुछ अलग तरीके का है, मोर देन लिखा है, वो भी इधर से नहीं है, इधर से है 20, 30, 40, 50, 60, 70, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इधर से बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी क्लास इंटरवल इधर से चल रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर से चल रहे हैं। ऐसे ही आपको समझना होगा बहुत ध्यान से, तो क्लास इंटरवल जो बनता है हमेशा कम से ज़्यादा की ओर बनता है, यानी अगर यहाँ पर 20 यहाँ पर है तो आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 जाना होगा। मोर देन है तो 70 से आगे बढ़ जाएंगे, यानी सीधा 20 से ही शुरू करेंगे। अगर यहीं पर लेस देन होता तो हम 20 से 30 नहीं शुरू होते बल्कि 10 से 20 शुरू होते, यानी कि इससे हम 10 नंबर, यानी इनके बीच का 10 नंबर का गैप है, इसमें से 10 घटा देते और एक नंबर और पीछे चले जाते, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 से 70 पर रुक जाते। मोर देन में 70 से 80 चला जाएगा, शुरुआत 20 से 30 से होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, मोर देन है। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वह आप देखेंगे 70 के सामने सबसे कम नंबर है, तो हम इस 7 को 70 के सामने लिखेंगे। यहाँ पर 70 से 80 के सामने 7 लिखेंगे, 18 में से 7 को घटाएंगे तो 11 लिखेंगे, ऊपर की ओर चलते रहेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 40 में से 18 घटाएंगे तो 22 लिखेंगे, और फिर 40 में से 40 घटाएंगे तो 0 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 55 में से 40 घटाएंगे तो 15 लिखेंगे, और लास्ट में 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी तैयार हो जाएगी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रेडी होने के बाद एफ का, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल एन होता है, तो इसका जो एन है वो है 60, यानी 60 है। अब आपके सामने टेबल पूरी तरह से सज चुकी है, ये दोनों लिखने के बाद टेबल तैयार हो गया। इसके बाद हम एक्स बनाएंगे, 20 और 30 को जोड़ करके एक्स होगा 25, 30 40 को जोड़ के आधा करेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे तो आधा करेंगे, ये तो आप पीछे से भी समझते हुए आ रहे हैं, पीछे के सवालों में बताया गया है। एक्स आने के बाद हम एक्स का स्क्वायर करते हैं, 625, यानी 35 का 35 में मल्टीप्लाई, यानी 35 गुणा 35, बहुत सारे बच्चे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, 35 गुणा करेंगे फिर 35 में, ऐसे 35 की 35 1225, अभी तो आएगा स्क्वायर 1225, 45 की 45 में गुणा करिए, 45 गुणा 45, ऐसे 2025, इस प्रकार से, इस प्रकार 55 की 55 में 3025, 65 की 65 में 4225, 75 की 75 में 5625। अब हमारे पास एक्स भी हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया। अब एफ की मल्टीप्लाई एक बार एफ और एक्स इस प्रकार से करेंगे कि एफ एक्स तैयार होगा। यहाँ पर एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 की मल्टीप्लाई 25 में, तो 5 की 25 में करेंगे 25 पंजे 125, 35 की 15 में करेंगे 525, 45 की 0 में 0, 55 की 22 में करेंगे 1210, 65 की 11 में करेंगे 715, 75 का 7 में 525। अब f की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, यानी 5 की मल्टीप्लाई 625 में, तो 3125 हो गया, फिर इसे बोलेंगे एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर 15 की 1225 में 18375, 0 की 2025 में, तो 0 है भाई, 0 का मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो 0 आना होता है, 3025 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 66550 होगा, 4225 की 11 में करेंगे 46475, और 5625 की 7 में करेंगे 39375। इस प्रकार से एफ एक्स स्क्वायर का टोटल 173900, एफ एक्स का टोटल 3100, और एफ का टोटल जिसे हम एन कहेंगे वो हो गया 60। मीन का फार्मूला होता है, एफ एक्स का जो टोटल आया है ये 3100, उसे एन से यानी कि 60 से डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो हमारा 51.67 आएगा।
इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है एफएक्स का स्क्वायर जो आया है टोटल करके, यानी कि ये इसको डिवाइड करेंगे एन से, यानी इससे यहाँ पर है एफएक्स का एन से डिवाइड करके तब होल स्क्वायर करेंगे। तो एफएक्स तो ये है, इसको एन से डिवाइड करते हुए दिखाएंगे, यानी इस प्रकार से 3160 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। इन सब पर रूट लगेगा, फार्मूले में रूट चल रहा है तो रूट लगाना होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2898.33 माइनस 3100 को 60 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई भी उसी में करेंगे, तब ये आएगा 2669.44। चलिए इसको इसको ज़रूर दिखाया जाए आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। 3100 भाग करेंगे 60 से तो ये आ गया 51.6666। भाई ये तो बहुत लंबा हो गया, इसकी मल्टीप्लाई भी इसी में करिए 51.6666 में, तो ये आ गया 2669.44। ये हमने लिखा 2669.44, इसमें से माइनस करेंगे तो 228.89 आएगा। इसका रूट काट देंगे तो 1513, यानी कि 15.13 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने मीन भी देख लिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लिया है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसके बाद ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा 51.67 और 15.13, दोनों जवाब आपके सामने मौजूद हैं 51.67 15.13। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अगर शुरू से देखा जाए तो यहाँ से शुरू हुआ है और स्टेप बाय स्टेप इसको हमने सॉल्व किया और लास्ट तक इसको ले गए। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर समाप्त हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, इसमें लिखा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दिया है। अगर मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट का मतलब होता है एक्स, और फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन है ही है। ये फ्रीक्वेंसी ना तो यहाँ पर मोर देन है, ना लेस देन है, ना अप टू है, ना अबव है, बिलो है, कुछ नहीं है। यानी ये क्वेश्चन जैसे दिया है ऐसे ही उतर जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई कमी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऐसे ही उतरेगी। मिड पॉइंट जो दिया हुआ है इससे हम क्लास इंटरवल को डेवलप करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी ये एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है। तो अगर एक एक नंबर का आगे बढ़ रहा है तो यानी इनके बीच में एक का गैप है, तो एक का हम फौरन आधा करेंगे, 0.5 आएगा। 0.5 को एक में जोड़ देंगे और एक में से ही घटाएंगे। अगर हम 0.5 को एक में जोड़ते हैं तो ये 1.5 होता है, अगर 0.5 को हम एक में से घटाते हैं तो ये 0.5 होता है। इसका मतलब जो इसका इंटरवल बनेगा 0.5 से 1.5, और ये बन जाएगा 1.5 से 2.5, ये बनेगा 2.5 से 3.5, कुछ इस प्रकार से। ये तो x दिया हुआ है 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, इस प्रकार मतलब 4.5, 4.5 से 5.5, ऐसे ये बनता चला जाएगा और इनके बीच में एक नंबर का जो है गैप चलता रहेगा। हमारे पास x भी है और f जो दिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसका टोटल 1590 है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f का जो टोटल है वो n कहा जाएगा और उसका टोटल है 1590। ये जो x दिया हुआ है x का हम फौरन स्क्वायर करेंगे, यानी एक की मल्टीप्लाई एक में तो एक ही आएगा, 2 की 2 में 4 आएगा, 3 की 3 में 9 आएगा, 4 की 4 में 4 चौक 16, 5 की 5 में 25, 6 की 6 में 36, ऐसे x स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास f की मल्टीप्लाई एक बार x में होगी तो fx बना लेंगे यहाँ पर, यानी 4 एक कम 4, 120 दूनी 240, 202 दूनी मतलब 3 3 जा 202 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 606 आएगा, 304 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 1216 आएगा। इसी प्रकार से f और x की मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर बहुत ध्यान से तो fx आ जाएगा। इसके बाद f की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे, 4 की 1 में करेंगे तो 4 एक कम भाई 4 आ जाएगा, ये रहा एफ एक्स स्क्वायर तो यही है। 120 की 4 में करेंगे तो 480, 202 की 9 में करेंगे तो 1818, 304 की 16 में करेंगे तो 4864, इस प्रकार से एफ एक्स स्क्वायर भी तैयार कर लेंगे। इसका टोटल हो गया
41,600, इसका टोटल हो गया 77,40 और एन तो 1590 है ही है। सबसे पहले मीन निकालेंगे तो एफएक्स का जो टोटल आया है ये वाला, इसको एन से डिवाइड करेंगे, तो एन से डिवाइड कर देते हैं। हालांकि मीन पूछा नहीं है क्वेश्चन में, इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा है। अगर हमें निकालने की नौबत आ ही जाती है तो 7740 को हम डिवाइड कर देंगे 1590 से, तो इस प्रकार से ऐसी वैल्यू पुट करेंगे और इसको फिर इक्वल टू मार देंगे। इक्वल टू मारेंगे तो आएगा 4.8679, बड़ा लंबा आया भाई, 4.8679 बहुत भयंकर है ये, तो इसको हम छोटा करें तो 4.887 कर सकते हैं, ये हो जाएगा शॉर्ट में। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला लगाएंगे, वही एफ एक्स स्क्वायर का जो टोटल है यानी कि 41,600 माइनस अपॉन एन करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे माइनस एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे 7740/1590 और यहाँ पर 41,600/1590, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 26.163, जबकि इसको डिवाइड करके उसी का मल्टीप्लाई उसी में करेंगे तो 23.696 आएगा। अब इसको चेक कराते हैं आपको, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। 7740/1590 से भाग करेंगे भाई, ये वैल्यू आई है 4.8679, इसकी मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे 4.8679, इतने से ही कर देते हैं, ये आ गया 23.696, हमने यही लिखा है 23.696। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2.467 आया। अब इसका रूट काट देते हैं, पहले इस वाले कैलकुलेटर में बड़ा लफड़ा है, रूट लगाएंगे पहले 2.467 इक्वल टू आया 1.57, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ 1.57, तो इसका आंसर चेक करते हैं, यही आंसर है कुछ और है, इसका आंसर है ये रहा 1.57। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ये हुआ है और इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाया है ताकि आपको बारीकी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और यहाँ पर ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।